ओम गुरुभ्यो नमो ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमो ओम राम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपित्र चरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। मेरे प्यारे सभी दर्शक सब्सक्राइबर व्यूअर्स, मेरे प्यारे मित्र, धूप का दिन, अप्रैल समापन, मई की ओर चले, उच्च का सूर्य 10 डिग्री का हो गया, उच्च का सूर्य मेष राशि में। आज सूर्य भगवान 10 डिग्री में उच्चस्थ फल देने के लिए चालू करेंगे, उत्ताप बढ़ने लगेगा। मंगल निचस्थ कर्क राशि के ओर करीब 23 डिग्री, पुनर्वसु नक्षत्र और यहां अश्विनी भरणी में सूर्य। जैसे जैसे उत्ताप बढ़ता है धरती का, जैसे जैसे धरती में तापमात्रा मनुष्य के शरीर का जल को निष्कासन करना या एवेपोरेशन करने का काम चालू करता है, ऐसे ऐसे एक समस्या विश्व पटल में बिल्डअप होता है और वो क्या है, लू लगना। और लू लगने से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भारतवर्ष का औषधि था छाछ, शुद्ध देसी गाय से बना छाछ जो आज नहीं मिलता ओरिजिनल। तो लू से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए अगर छाछ नहीं मिलता तो क्या लेना चाहिए, ये पहला बात। जहां अतिउग्र उत्ताप में भी सूर्य का उच्चस्थ फल और मंगल जैसे अग्निकारक ग्रह का जल में कर्क राशि में आना नेचुरली आने वाला समय में प्रचंड ताप को बढ़ाने वाला, जल क्लिष्ट बढ़ाने वाला और कई प्रकार के रोग इत्यादि को प्रदान करने वाला, ऐसे कंडीशन पे हम लोग कैसे बच सकें, क्या उपाय है, क्या तरीका है और क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है कि एक नंबर जो आता है वह है क्या, बिल्लो, बेल। भगवान ने इसको बनाया, इसका गुणगान कितना करूं, नेचुरोपैथिस्ट हूं, प्राकृतिक चिकित्सक हूं, आयुर्वेदाचार्य हूं, तो इसका गुणगान करने के लिए तो 2-4 घंटा कम पड़ जाएंगे। शॉर्टकट में एकदम सरल में बता दे रहा हूं, बिल्लो धूप के दिन में जरूर खाएं और इससे सारे प्रकार के रोग भगाओ। पूरा साल भर का सारा रोग अगर भगाना है बिल्लो खाओ। बिल्लो को अगर आप देखोगे खोपड़ी जैसे और अंदर ऐसे ही गोल गोल पूरा सेव ऑफ ब्रेन, तो धूप के दिन में सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होना, टेम्परेचर बढ़ना, ब्लड पे ब्रेन के ऊपर ब्लड का इफेक्ट होगा, नाक से खून गिरना, इस प्रकार के कई समस्याएं धूप के कारण बढ़ना, उत्ताप बढ़ने के कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, बड़ी रक्त उग्र हुआ, ऊपर गया और नाक से खून निकला, तो व्यक्ति विशेष समस्या में पड़ जाते हैं। तो इससे निकलने के लिए अगर कोई चीज बेस्ट है तो वह है बिल्लो। दूसरा बात यह है कि बिल्लो में है आठा और कई सारे पुरखे आयुर्वेद के जो हमारे दादा गुरु रहे, आयुर्वेद आचार्य रहे, क्योंकि पुछते ही नहीं आयुर्वेद में हम लोग, हमें प्राप्त हुआ है कोई ऐसा नहीं है 5-6 किताब पढ़ के बैठ गए, बचपन से त्रिफला त्रिकटु कूटते कूटते बड़े हैं। तो ये वीर्यवर्धक भी रहता है, इसलिए इसे जितना मात्रा में खाओगे आपका परिवार में सुख शांति समृद्धि, पत्नी खुश रहेगी। अच्छे जीवन में अच्छा चाहते हो तो अच्छा खाना पड़ेगा, भेजा काम नहीं करता, इसलिए हर जगह में हार जाते हो। भेजा तभी काम करेगा जब ऑर्गेनिक नेचुरल प्योर चीज खाने लगोगे,
और इसमें कोई यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिक्वेंटी डीटी गैमेक्सिन थीमेट नहीं देता, हार्मोन इत्यादि नहीं देता, प्योर प्राकृतिक नेचुरल नैसर्गिक जंगल का बना हुआ प्राकृतिक उपाय में है। जहां खेती करते हैं बड़े बड़े हाइब्रिड बनाते हैं वो अलग बात है, उनका उनको एकदम नहीं खाइए, लेकिन देसी वाला तो जरूर खा सकते हैं। नहीं मिले तो हमें बोलिए, भेजा करेंगे आपको, काहे टेंशन। तो बिल्व फल सबसे ज्यादा, बिल्व बिल्व जो बेल जिसको कहा जाता है, वह शरीर के लिए हर प्रकार से अत्यंत उत्तम और लाभदायक स्वास्थ्यवर्धक रहता है। और इस समय जब आकाश में सूर्य भगवान, एस्ट्रोलॉजिकल बेस, ज्योतिषीय बेस, सूर्य भगवान गोल गोल जब 10 डिग्री के ऊपर चलते हैं तो बिल्व का पकने का टाइम आ जाता है। और बिल्व को इस समय अगर आप भोजन करते हो, ग्रहण करते हो, तो स्वाभाविक बात है आपका ब्रेन ठंडा, दिमाग ठंडा रहता है। और ऐसे कहा गया है कि जो लोग पेट गरम पेट नरम सर ठंडा, डॉक्टर आए तो डॉक्टर को मारो डंडा, मतलब धन का डंडा। डॉक्टर लोग बुरा नहीं समझना, आपको नहीं कह रहा हूं, और मैं किसी डॉक्टर का विरोधी नहीं हूं, आदत हो गया है ये डाकू डॉक्टर बोलने के लिए, क्योंकि नेचुरोपैथी के कुछ आपके दिल्ली वाले मेरे को पानी पिला दिए थे, तो जिसके लिए ये बोलने का आदत हो गया नेचुरोपैथी में एलोपैथी को विरोध करते करते। मेरे हृदय में ऐसा कोई विरोध नहीं है, अगर किसी शब्द में आपको कष्ट दे तो मैं माफी चाहूंगा। तो बिल वही है जो व्यक्ति के शरीर में इस समय ब्रेन को, शरीर को, रक्त शोधक का काम करता है। साथ में आप एक जिसका भी सीवियर कंस्टिपेशन में पड़े हुए हो, क्योंकि ड्राइनेस होने के कारण इस समय कंस्टिपेशन इत्यादि होता है, तो जितना ज्यादा बिल्व खा पाओगे, जितना ज्यादा शरबत के फॉर्म पे लेना, ड्राई फॉर्म पे नहीं लेना, प्यास बढ़ जाता है, तो शरबत के फॉर्म पे अगर बिल्व को लेते हो, बेल को लेते हो, तो ये अत्यंत लाभकारी मनुष्य के जीवन में रहता है। बिल्व का मैं एक इस सीजन में बेल के ऊपर अगर मैं बात करता हूं, तो 8-10 क्विंटल बेल तो अकेले निगलता हूं, पीता हूं जाके, एकदम मेरा सीवियर कलेक्शन रहता है बिल्व को लाके घर में रखना और रेगुलर ये बेल को शरबत बना बना के पीना। और आप लोग भी जितना ज्यादा मात्रा में बेल का शरबत बना के पी सकते हो उतना ज्यादा बेहतर है। मेरे लिए आप अगर दया करोगे तो इतना करना कि बेल पीने के बाद जो बीज है उसको धूप में सुखा के रखना और मेरे पास भेज देना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। और मेरा जो संपर्क नंबर है जिसमें आप मेरे को संपर्क करके कुरियर करोगे, शोधन जगदा नियर प्रगति विद्या मंदिर स्कूल राउरकेला ओडिशा, पिन कोड 769042 पिन कोड, इस एड्रेस में आप भेज देना, ताकि विश्व कल्याण हो। मैं इन बीजों को लेके जंगल में हजारों लाखों 1000 बेल का पेड़ तो लगा चुका हूं, और भी ज्यादा लगाने का टारगेट है। और बिल्व गच्छ को लगाना, पुण्य प्राप्ति होता है, ग्रह शांति होते हैं, शिव भगवान प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी का प्राप्ति होता है, इसलिए बिल्व गच्छ जरूर घर में लगाएं। और ये तो वृक्ष के बारे में बताया, बिल्व फल के बारे में सबसे पहला लू लगने से बचना, धूप से मुक्ति, कितना भी हाई टेम्परेचर हो स्ट्रोक नहीं होगा, रक्त शुद्धिकरण करता है, हार्ट स्ट्रोक इत्यादि से बचाता है, कॉन्स्टिपेशन जैसे बीमारी से दूर करता है। एक दिन आप बेल का शरबत ले लो, फिर देखना कि शरीर से सारे मल बाहर निष्कासित हो जाते हैं और एक ही दिन में आपको हल्का अनुभव होने लगेगा। अगर पूरा फुल एक बेल कस के 4-5 ग्लास पी लीजिए, देखिए उसमें जो अट्ठा है और इंटेस्टाइन क्लीनिंग करने का अगर कोई ताकत रखता है, कहीं भी ताकत रखता है, तो वह है बिल्व। और ग्रह शांति, ग्रहों अपन देखिए, ग्रह कोई आकाश मंडल में है और आपको आके पीट रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा एकदम नहीं है। आपके शरीर में ही ग्रह हैं और वह ग्रहों का ऊर्जा से आप लोगों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, विचार जनित स्थिति परिवर्तन होते रहता है।
क्योंकि किरण हमेशा पड़ रहे हैं, बीम्स आ रहे हैं और आपके ऊपर इफेक्ट आते रहते हैं, तो जो भी मैलेफिक एनर्जी है वो तभी काम करेगा जब आपके शरीर में स्टॉक एनर्जी है। तो यानी आपके शरीर में अगर मल है तो उस मल से ही आपको ग्रहों का द्वारा दंड दिया देता मिलता है। लेकिन आगे क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि आगे इस प्रकार के प्राकृतिक देसी आहार खाते थे तो इसके लिए ग्रह दंड उतना ज्यादा नहीं मिलता था जो आज के डेट में उससे ज्यादा मिल रहा है। तो ये बेलों में वो दम है, भगवान भोलेनाथ और शिव शंभू और महालक्ष्मी देवी माता रानी का कृपा करुणा दया प्राप्त होता है जब हम लोग बिल्लो खाते हैं। और बेल खाने से हाजिर जवाबी ब्रेन का स्ट्रांग होना, मजबूत होना, बुद्धि आपके अंदर बढ़ना, जिनका भी बुद्धि कहीं ना कहीं कमजोर है या जिसका राहु बुद्धि घर में बैठ के जड़ बुद्धि दोष बना रहे हैं, ऐसे कंडीशन पे तो ये बहुत जरूरी बनता है कि आपको बेल का शरबत लेते रहना चाहिए। क्योंकि बेल बुद्धिवर्धक, वीर्यवर्धक, रक्त शोधक, कॉन्स्टिपेशन से निवारण करने वाला और आत्मिक बल बढ़ाने वाला, आध्यात्मिक बल बढ़ाने वाला और शरीर के अंदर जो फ्लूइड लिक्विड है, जो ज्वाइंट इत्यादि कुड़काड़ करते रहता है, कमर दर्द, कठनी ज्वाइंट्स में दर्द, इस प्रकार के दर्द से बचाने वाला अगर कोई महान शक्ति है तो वह है बिल्लो बिल्लो बिल्लो। बेल, ये जो बेल है, इस बेल से एक्चुअली क्या है ना, पाकिस्तान ठीक हो सकता है। पाकिस्तान जो आपका पाकिस्तान उग्रवादी बनाता है, पेट से भू भा भूस भास ढूस ढास गंध, शरीर का मल, जिसके लिए शरीर में हर प्रकार का विघटन तत्व बनते हैं, तो अगर बेल खाते हो इस धूप के दिन में तो पाकिस्तान ठीक हो गया तो नेचुरली पूरा विश्व ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान ही सारा समस्या बना के रखता है, तो पाकिस्तान को ठीक करना है तो फिर बेल तो चाहिए ही। हजम शक्ति को बढ़ाना, हजमा को बढ़ाना, भूख को बढ़ाना, नींद अच्छा लगना, देखना नींद बहुत अच्छा होता है जब आप बेल खाते हो। और प्रकृति में एक नियम है कि जैसे जैसे आपके शरीर के अवयव हैं, अंग हैं, वैसे वैसे ही फलों का रूप रंग रहता है। हार्ट के जैसे मेथी होता है, किडनी के जैसे सेमी का बीज और बाकी कई प्रकार के ऐसे बीज और फल हैं जो किडनी जैसे होता है, लीवर जैसे, अभी देखना राम फल आएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो लीवर ठीक उल्टा हमारे राइट साइड में पड़ा रहता है, तो लीवर का शुद्धि करना है तो लीवर का रूप जनित जो भी फल है उनको खाना चाहिए। और किडनी का अगर समाधान चाहते हो तो किडनी जैसे फल खाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे नहीं दोष देना, ये हमारे बड़े बुजुर्ग प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर पूर्णचंद्र पंडा जी महाराज, हमारे गुरुदेव, बताए थे। तो ये गया आपका बेल और बेल के बारे में कुछ सम्यक दिया। इसके बारे में बोलूं तो टेक्निकली तो बहुत सारा बात आ जाएगा, उतना उधर नहीं जा रहा हूं, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा एक फल है आप सबके सामने रखूंगा, ये है पपीता, देसी पपीता। देसी वाला अलग रहता है, हाइब्रिड पपीता अलग रहता है, और देसी पपीता, जंगली पपीता, ये भी एक परम तत्व, परम औषधि है। इसके बारे में मैं बता रहा हूं,